हे गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल तरंग एकेडमी फॉर क्रैक नीड इन इजी वे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द टॉपिक टीनिया सेजिनेटा के बारे में, जो कि एक पैरासाइट है। इसके सारे बेसिक पॉइंट को आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, द किंगडम ऑफ अ टीनिया सेजिनेटा इज द एनिमेलिया। ये जो टीनिया सेजिनेटा है, ये क्या है? एक पैरासाइट है। और पैरासाइट क्या होते हैं? एनिमेलिया होते हैं। वो प्लांट नहीं है, वो बैक्टीरिया नहीं है। दिस वन इज अ एनिमेलिया किंगडम। उसके बाद इसका फाइलम इज अ प्लेटी हेलमेंथीज। इसका फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज क्यों है, ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। और जो भी पैरासाइट है, जो भी वर्म्स डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लेटी हेलमेंथीज। उनको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, मतलब कि उसे प्लेटी हेलमेंथीज के फाइलम में रखा जाता है। उसके बाद इसकी आती है क्लास। इसकी क्लास है सिस्टोडा। जैसे कि और भी बहुत सारी क्लास होती हैं, नीमेटोड, ट्रेमेटोड, वैसे ही इसकी क्लास है सिस्टोड। जीनस है इसका टीनिया एंड इसकी स्पीसीज है सेजिनाटा। ओके, दिस वन इज अ वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। आफ्टर दैट, द टीनिया सेजिनेटा इज कॉमनली नोन एज अ बीफ टेप वर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, बीफ टेप वर्म है। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सारे मेन पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। तो कॉमनली इट इज नोन एज अ बीफ टेप वर्म, इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ अ कैटल एंड द ह्यूमन। तो ये ह्यूमन या फिर कैटल के इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, एक इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। तो हमें ध्यान रखना है, इट इज अ इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ द कैटल एंड द ह्यूमन, कॉजिंग टीनियासिस इन अ ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सी बीमारी करता है? टीनियासिस। इसके बिल्कुल नाम मिला जुला है, जैसे टीनिया है, वैसे इसका नाम क्या है, इसकी बीमारी का नाम है टीनियासिस। कैटल जो है वो इसकी इंटरमीडिएट होस्ट होती हैं एंड ह्यूमंस आर द डेफिनेटिव होस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमंस जो है वो इसमें डेफिनेट होस्ट होते हैं और इसकी कैटल क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट है। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद है इसका हैबिटेट, कि कहाँ पर रहते हैं। क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें, अगर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ टीनिया सेजिनेटा के बारे में बात करें, तो ये तीन चीज़ें होती हैं इसमें, एडल्ट, लार्वा एंड द एग्स। सो जो एडल्ट होता है, दे लिव इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशली इन द अपर जेजुनम। अपर जेजुनम में ये एडल्ट वर्म रहता है। किस में? डेफिनेट होस्ट में। डेफिनेट होस्ट कौन है? ह्यूमंस होते हैं। लार्वल स्टेज फाउंड इन द इंटरमीडिएट होस्ट टिश्यू। तो जो लार्वा वाली स्टेज होती है, कहाँ मिलती है? इन द इंटरमीडिएट होस्ट टिश्यू, मतलब कि कैटल्स में। और एग्स जो हैं, दे आर द डायग्नोस्टिक स्टेज, मतलब कि अगर हम डायग्नोस करेंगे कि भाई इस पेशेंट को क्या हुआ है, तो हमें उसके फीकल मैटर में, हमें डायग्नोस्टिक स्टेज में एग्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद बात करती हूँ मैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ द एडल्ट वर्म, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा ये, ठीक है। ये है इसका मेन पूरा फुल डायग्राम, इसका ये है। ये इसका जो हेड है, इसको हमने बहुत बड़े तरीके से यहाँ पे दिखाया है। उसके अलावा दिस वन इज अ नेक, और उसके बाद ये क्या है, ये होता है इसका स्ट्रोबुला, जिसमें क्या होती है, प्रोग्लोटिड्स होते हैं। ओके, इसका लार्वा होता है सिस्टी सरकाई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हर एक पैरासाइट के लार्वा याद रखने पड़ते हैं, उनके होस्ट और उनकी लाइफ साइकिल किस किस में चलती है, हमें सारे पॉइंट्स याद रखने होते हैं। तो इनका लार्वा कौन सा है? सिस्टी सरकाई। एडल्ट्स के अगर हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें, तो कंसिस्टिंग ऑफ 1000 प्रोग्लोटिड्स। तो इसमें 1000 प्रोग्लोटिड्स होते हैं, मतलब कि ये जो आपको दिख रहे हैं, दे आर द प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। ये कुछ मैच्योर होते हैं, कुछ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होते हैं। सो वॉट इज प्रोग्लोटिड्स? आपने ये नाम सुना, बट अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि होते क्या हैं। तो गाइस, दिस वन इज द चेन ऑफ अ न्यूमरस बॉडी सेगमेंट। तो ये एक तरीके की चेन है न्यूमरस बॉडी सेगमेंट की, इसको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। उसके बाद है, बॉडी इज फ्लैटेंड डॉर्सो वेंट्रली एंड सेगमेंटेड। तो इनकी बॉडी कैसी है? फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रली मतलब कि आगे से भी, मतलब कि वेंट्रल साइड से, और डॉर्सो मतलब कि पीछे वाली साइड से। तो ये दोनों साइड से कैसी है? फ्लैट है और सेगमेंटेड है, ठीक है। ये आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, दे आर द सेगमेंटेड। कंसिस्ट थ्री पोर्शन, इसमें थ्री पोर्शन होते हैं, स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबुला, ठीक है। तो स्कोलेक्स ऊपर का पार्ट जो कि हेड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं। उसके बाद नेक एंड द स्ट्रोबुला। तो इसका जो स्कोलेक्स होता है, इसमें सकर्स नहीं होते हैं, फोर सकर्स, बट इसमें हुक्स नहीं होते हैं और ना रोस्टलम होता है। तो आपको ये जो इस डायग्राम में दिख रहा है, दीज आर द सकर्स, ठीक है। ये क्या है?
सकर्स हैं, इसमें हुक्स नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने ये डायग्राम यहाँ पर गलती से बना दिया था, ये है टीनिया सुरेनम का डायग्राम, तो इससे अब आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपको ये दिख रहे होंगे, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रोस्टिलम, जो कि टीनिया सैजिनेटा में नहीं होता है, टीनिया सोलिनम में होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं सोलिनम में, पर टीनिया सैजिनेटा में ना हुक होते हैं ना रोस्टिलम होता है, इसमें सिर्फ चार सकर होते हैं, इसलिए इसका ये सिंपल सा डायग्राम बनता है। नेक्स्ट है, टीनिया सैजिनेटा हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ एंड द एनस। सो टीनिया सैजिनेटा में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो न्यूट्रिशन जो लेता है ये टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट थ्रू इट्स टेग्यूमेंट्स, तो इसमें जो टेग्यूमेंट्स होते हैं उसके थ्रू ये अपने न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है होस्ट से। दे हैव कंप्लीटली मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके पास मेल और फीमेल दोनों का कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये एक फीकल बॉर्न इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब कि लाइक टीनियासिस। फीकल बॉर्न इन्फेक्शन का मतलब ये है कि फीकस की वजह से या फीकल मैटर की वजह से फैलने वाली कोई भी इन्फेक्शन, उसको हम बोलते हैं फीकल बॉर्न इन्फेक्शन। तो इसके अगर लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, सो ये दो लोगों में चलेगी, एक तो मैन में और दूसरा कैटल में, ठीक है, ये मैन में और कैटल में। तो इसकी इतनी लाइफ साइकिल चल रही है मैन के अंदर और इतनी चल रही है कैटल के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एडल्ट वर्म है ये कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता था कि इसका मेनली हैबिटेट कहाँ है, ये कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, स्पेशली इन द अपर जेजनम। तो ये है एडल्ट वर्म इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा, इसके ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स होंगे और इसके जो एग हैं वो हमें फेसेस में मिलेंगे, क्योंकि अब मैंने बताया था कि एक डायग्नोस्टिक स्टेज होती है जिसमें हमें एग मिलते हैं, तो इसके एग फेसेस में मिलते हैं और ये ग्रेविट प्रोग्लॉटिड होते हैं। ग्रेविट प्रोग्लॉटिड का मतलब क्या है कि जो टूट जाते हैं, ठीक है, ग्रेविट हो रहे हैं, ग्रेविट प्रोग्लॉटिड। उसके बाद क्या होता है कि ये एग्स और ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स इंजेस्टेड, तो जो कैटल होती हैं वो क्या करते हैं, वो फीकल मैटर को खाते हैं, मैन के फीकल मैटर को खाते हैं, तो उनके मैन के फीकल मैटर में एग होता है और वो एग ये कैटल खा लेते हैं, मतलब कि इंजेस्ट कर लेते हैं। तो एग्स और ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स, मतलब ये दोनों, ये इंजेस्ट हो जाते हैं। कौन इंजेस्ट कर लेता है, कैटल। उसके बाद क्या होता है, ऑंकोस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ऑंकोस्फेयर हैचेस एंड पेनिट्रेट द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये चाहे कैटल हो चाहे मैन हो, दोनों की इंटेस्टाइन पे ही इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। तो ये इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है, क्या करता है कि जो इनका ऑंकोस्फेयर होता है वो हैच होता है एंड वो पेनिट्रेट कर जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द कैटल। उसके बाद ये कैटल के सर्कुलेशन में जाता है और उसके बाद ये मेन में इसकी क्या चलती है साइकिल, कि ये सिस्टी सर्कस वोबिस इन मसल्स। तो मसल पे जब इफेक्ट पड़ता है तो वहां पर क्या होता है, लार्वा कौन सा होता है, सिस्टी सर्कस वोबिस इन मसल्स। उसके बाद जो स्कोलेक्स है ये एंकोर्स करती है टू द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये पूरी इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है टीनिया सैजिनेटा की। गाइज होप सो यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक देन गाइज प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड गाइज अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई से भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम है, तो गाइज आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर तरंगनी मैम के नाम से, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वहाँ अनअकैडमी प्लस पर आपको लाइव कोर्सेज मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको वहाँ पर PDF नोट्स, रिविजन क्लासेस, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एक बेटर वे में, ठीक है। तो आपकी जो फीस का जो भी पूरा नीट के लिए फीस का जो भी वो है कि एक महीने कितनी फीस है, 3 महीने कितनी फीस है, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा और साथ साथ मैंने अपना नाम और जो कोड है वो मैंने दिया हुआ है, तो आप उसको कोड को यूज़ करके आराम से अनअकैडमी प्लस से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो टिल बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आप लोग चाहते हो मैं किसी टॉपिक वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि आप लोग जो भी मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे उससे रिलेटेड मैं कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊँ। टिल बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।